खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बजट न्यू इंडिया वाला, इसी पर चर्चा करेंगे। जल्दी से आपका परिचय कराती हूँ। खास मेहमान आज की इस चर्चा में जो शिरकत कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट आशुतोष मिश्रा जी मौजूद हैं। स्टूडियो में मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट गोपाल केडिया जी और बिजनेस एक्सपर्ट प्रांजल शर्मा स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शुरुआत गौरव भाटिया आपके साथ ही करूंगी सर, और मैं समझना ये चाहती हूँ कि जो आपके विरोधी जो विपक्षी हैं वो या तो इस बजट को जीरो बजट कह रहे हैं या फिर कह रहे हैं कि ये बजट तो जनता के साथ छलावा हो गया साहब, ये तो नई बोतल में वही पुरानी शराब है। लेकिन सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है कि ये बजट न्यू इंडिया वाला, इसको आधार देने के लिए इस बजट के तीन प्रमुख बिंदु जो आप चर्चा में रखें शुरू में, उसके बाद मैं खोलती हूं चर्चा। बिल्कुल रोमाना जी, देखिए जो आशावादी होते हैं वो देखते हैं कि कैसे देश प्रगति के रास्ते में आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में कहूं तो ये बजट है आशा का, विश्वास का और आकांक्षाओं का, नए भारत का। और जो निराशावादी होते हैं उनको आप कुछ भी दीजिए, चाहे इंटरिम बजट हो या पिछले साल का बजट हो या इस साल का बजट हो, वही रटी रटाई लाइनें आके वो चैनल पे बोलते हैं और वो दिखाते हैं कि इस बजट में कुछ नहीं है। लेकिन आपने एक अच्छा सवाल किया और कुछ पहलू जो बजट के हैं मैं दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा। देखिए सोच और दिशा इस बजट में कितनी मजबूती से रखी गई है कि ग्रामीण इलाकों की पहले बात करते हैं, हर भारतीय के पास, एक परिवार के पास घर हो, वहां बिजली हो, वहां पे शौचालय हो। और इसके लिए जो सबसे बड़ी बात है, बजट में एक फिस्कल डिसिप्लिन होता है कि आप जो घाटा होगा बजट का नेट नेट वो ज्यादा ना हो। तो यहां पे मैं आपको बताऊं, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है कभी 2013-14 में जो 5.6% था वो आज 2.1% पे लाया गया है। 2018-19 की मैं बात कर रहा हूं, इसके आसपास है। और ये अपने आप में दर्शाता है कि रेवेन्यू कैसे बढ़ा रहे हैं कि आम जनता पे और लोड ना पड़े बल्कि दायरा बढ़ाया जाए, ज्यादा लोग टैक्स पे करें। और उसके बाद क्या सुविधाएं हैं, महिलाओं का ध्यान रखा गया, जैसे निर्मला सीतारामन जी ने कहा, उन्होंने कहा कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसमें एक महिला सदस्य को 1 लाख का लोन दिया जाएगा। उज्ज्वला योजना के तहत जो एक बहुत ही सफल योजना रही है, 8 करोड़ गैस के सिलेंडर और दिए जाएंगे। ग्रामीण इलाकों पर 2-3 बिंदु बड़े महत्वपूर्ण है, जो घर है 1.5 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, करीब 2 करोड़ और बनाए जाएंगे। उसके अलावा मैंने 100% घरों में बिजली आई ये बात कर दी। मनरेगा में ग्रामीण इलाके के लिए खासकर ये महत्वपूर्ण है, 60,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन हुआ है, 9% ज्यादा है। इसके साथ कुछ चीजें हमारी प्राथमिकता डिफेंस होता है, डिफेंस का बजट बढ़ाया गया, आधुनिकीकरण करना, वन रैंक वन पेंशन का जो वादा हम निभा रहे हैं उसको आगे बढ़ाना, और उसके मिडिल क्लास को जो एग्जेम्पशन 5 लाख की लिमिट बढ़ाई गई थी इंटरिम बजट में, उससे देख के इसे भी जोड़ना चाहिए। 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन मिलेगा, टैक्स डिडक्शन, अगर आपने हाउसिंग लोन ले रखा है और हाउस 45 लाख रुपए तक का है, तो हर किसी के लिए, चाहे महिला हो, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की बात जो इंटरिम बजट में थी वो लागू हो चुकी है। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि जो पार्टी की लाइन सबका साथ सबका विकास, इस बार तो सबका विश्वास भी है, तो आपने सबके लिए यहाँ पर गिना दिया कुछ ना कुछ किस तरीके से है। मैं आशुतोष जी का रुख करती हूँ। आशुतोष जी, जहाँ से गौरव ने अपनी बात शुरू की, कम से कम आप सोच और रोमाना जी ये अच्छा लग रहा है। जी, विपक्ष तो बड़ा निराश और हमेशा जो है अपनी मुस्कुराहट कहीं छोड़ आता है, लेकिन आप मुस्कुरा रही हैं, देश मुस्कुरा रहा है, ये अच्छी बात। चलिए सर, अब जरा आशुतोष जी को देखते हैं वो मुस्कुराएंगे या नहीं। आशुतोष जी, जहाँ से गौरव ने अपनी बात शुरू की थी कि सोच और दिशा, अगर आप समझ जाएंगे सोच और दिशा को, तो फिर ये बजट न्यू इंडिया की मंजिल पर पहुंचा देगा। और उसके लिए गौरव ने गिना भी दिया किस तरीके से ग्रामीण भारत, युवा, महिला, सबका ध्यान रखते हुए नए भारत की ओर तो लेकर जा रहा है सर बजट। फिर सवाल क्यों बजट पर? तो इसका जो है जवाब मेरे ख्याल में भाजपा के अर्थशास्त्री सांसद हैं श्री सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने बड़ी सार गर्भित एक तीखी टिप्पणी करी है, जो समझने वाले हैं वो समझ जाएंगे और जो ना समझें वो अनाड़ी हैं। ये आप जो न्यू इंडिया की बात करते हैं हम लोग बार बार, तो सुब्रमण्यम स्वामी के आप पढ़ेंगे
कमेंट तो समझ जाएंगे। यहां पे देखिए क्या है कि जब जहां पे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हों तो वो कैसे जो है आम आदमी की मदद करेगा, मेरी तो समझ में नहीं आता। जो ये 5 लाख रुपए की बात करते हैं ये पिछले बजट में हुआ था और ये समझा दिया गया था कि इसको कितने कम लोगों को फायदा होगा। जहां ये बात करते हैं फिजिकल डेफिसिट की, तो पीयूष गोयल ने पिछले बजट में किस तरह से सब्सिडीज को हाइड किया था, छुपाया था, वो भी स्पष्ट कर दिया गया था। तो ये बातें जो है सुनने में अच्छी लगती हैं लेकिन ऐसा सच में कुछ होता हुआ नहीं है। बात करें हम लोग होम लोन्स की, तो यहाँ पे 45 लाख रुपए वाले घर जो आप बात कर रहे हैं, तो रोज़ अखबार में पढ़ते हैं कि इतने बिल्डर्स हैं जिन्होंने पैसा लिया और भाग गए और वो बेचारे जो है टैक्स पेयर्स घूम रहे हैं, जो है उनको घर नहीं मिल रहा है, उनके बारे में तो हमने कुछ सुना नहीं यहाँ पे कि क्या होगा। जो मुद्रा लोन की ये बात कर रहे हैं कि 1 लाख रुपए का मुद्रा लोन मिलेगा, तो उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सबसे बड़ा नुकसान हुआ था नोटबंदी से। और अब ये मुद्रा लोन जिसकी ये बात करते हैं उसके बारे में वार्निंग दी गई है कि ये जो है अगला NPA का जो है सबसे बड़ा कारण होगा। यहाँ पे आप बैंक में 70,000 करोड़ का रिकैपिटलाइज कर रहे हैं उसको, इस बैंक के लोन से सबसे ज़्यादा फायदा किसको होता है? कॉरपोरेट सेक्टर को होता है। आपने अभी एक बात शुरू में कही और वो कॉरपोरेट सेक्टर में सब ये नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या टाइप के लोग आते हैं। आपने एक बात कही रॉबिंग हुड की जी, यहाँ पे रॉबिंग तो हो रही है लेकिन कॉरपोरेट सेक्टर में तो वो जो है 25% की दर रखी गई है और 400 करोड़ तक के जो है उसमें कंपनियों को लाया गया है। और जबकि एक आदमी, मेहनतकश आदमी जो कि कमा रहा है, चाहे वो 5 करोड़ हो 2 करोड़ हो 3 करोड़ हो उसके ऊपर हो, उस पर आप 38% से 42% तक के टैक्स की दर दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैसेज क्या है? यहाँ पे आम आदमी पे आप दबाव दे रहे हैं पेट्रोल और डीजल ऐसे टैक्स बढ़ा के जिससे खाने खाद्य की और हर चीज के दाम बढ़ेंगे, और यहाँ पे जो आदमी मेहनत करके कमा रहा है इंडिविजुअल उस पे टैक्स का दर बढ़ा रहे हैं। ये एक चाहे दोनों स्पेक्ट्रम में आप देखें दोनों तरफ जो है। आशुतोष जी देखिए, एक तरफ ये बजट जिसको लेकर गौरव ने अपनी बात रखी, वहीं दूसरी तरफ आपने लेकर जो सवाल उठाए और आपके जो सवाल थे उसमें आपने बहुत हद तक सरकार के आंकड़ों को एक तरीके से हवा हवाई दिखाने की कोशिश की। तो सर आज जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट स्पीच पढ़नी शुरू की तो वो शेर मैं भी एक बार पढ़ देती हूँ सर, यकीन शब्द का उसमें इस्तेमाल किया गया था कि यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है। तो यहां तो जो आप लोग यकीन कर नहीं पा रहे हैं विपक्षी, शायद उनके लिए भी ये शेर रखा होगा निर्मला सीतारमण ने। इनके फॉर्मर इकोनॉमिक एडवाइजर खुद कहते हैं कि रॉबिन हुड वाला ठीक है सर मैंने आपको पूरा समय दिया, आप मुझे आगे बढ़ना है ना, बाकी मेहमान भी मेरे साथ है। दूसरा जो आपने कहा साहब कि रॉबिन हुड वाली जो बात आपने कही, तो साहब ये बात रॉबिन हुड वाली जो हमने कही इसकी दिशा भी देश के प्रधानमंत्री पहले ही दिखा चुके हैं। प्रांजल क्या मैं गलत हूँ? क्या देश के प्रधानमंत्री पहले ही नहीं कह चुके कि साहब इस देश में लोग दो ही तरह के, एक वो जो गरीब हैं और दूसरे वो जिन्हें गरीबों को ऊपर लेकर आना है, गरीबी से बाहर निकालना है लोगों को, तो उसी दिशा में देश आगे बढ़ रहा है और यही तो है वो न्यू इंडिया जिसका सपना साकार करने के लिए चली है मोदी सरकार 2। मेरे ख्याल है मोदी सरकार का जो मंशा है पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं, ये मैं ये नहीं कहूंगा कि वो अमीरों के खिलाफ है, लेकिन वो अमीर जिन्होंने गैर कानूनी तौर से गैर जायज पैसा कमाया है उनके खिलाफ ये सरकार जरूर है। और उन्होंने बार बार ये कहा है जिसने भी अपना पैसा सीधे सच्चे ढंग से कमाया उसको किसी से डरने की बात नहीं है। लेकिन आज जिन्होंने जो कदम उठाए हैं, जो वित्त मंत्री ने कदम उठाए हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर आप 1 करोड़ रुपए कैश बैंक से निकालते हैं तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। अब ये बताइए ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसको 1 करोड़ रुपए 1 साल में कैश निकालना पड़े, मतलब हर महीने करीब 10 लाख से ऊपर आपको कैश निकालना पड़े। जो भी व्यक्ति 10 लाख रुपए हर महीना खर्च करना चाहता है जायद ये तो एकदम सामने बात आ जाएगी कि ये आदमी जो है, जो भी व्यक्ति ऐसा करता है वो गैरकानूनी काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है जो गौरव ने भी इस पर इशारा किया था, लेकिन मेरा ख्याल है सरकार इसको कुछ साल लगेंगे इसको इम्पैक्ट होने में कि आप जहां किसान के पास जाइए, किसान का जो उत्पाद है उसके पास आप वैल्यू एडिशन करिए, वहाँ पर आप कारोबार चलाइए, जिसे अगर आप टमाटर उगा रहे हो उसी के साथ एक आप फैक्ट्री लगाइए जिसे टमाटर का पेस्ट बन सके, वही 2 किलो टमाटर का आपको जो दाम मिलता है आपको टमाटर पेस्ट का 10 गुना ज़्यादा मिलेगा। तो ये कवायद आसान नहीं है हमारे बड़े देश में, लेकिन
जो सरकार ने कुछ जो नई नीतियां सामने रखी हैं उससे फायदा होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात हमेशा ये रहती है रुमाना कि नीतियां एक तरफ होती हैं लेकिन अमल पे लाना पूरे हमारे 500 अगर डिस्ट्रिक्ट हैं तो उन वहां पर अमल में लाना कैसा, कितना मुश्किल होगा, ये सरकार कितना कर पाएगी ये देखना।